केला आलू की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए 2 से 3 हरा केला लेंगे, या आप वेट में भी आधा किलो या जितना आपको ज़रूरत है उतना ले सकते हैं। और इसको छीलने के लिए पहले इसके सिर के भाग को काट देंगे और एक हिस्से को पूरे छिलके को निकाल लेंगे। उसके बाद इसको छीलने में आसानी होगी, जैसा वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आप वैसे ही छीलें, इससे आप छिलका जल्दी से निकल जाए। आपको जितना मोटाई में काटना है आप काट सकते हैं, वैसे इसे ज़्यादा मोटा मत काटिए, मीडियम ही काटिए, जिससे सब्जी का मसाला केले के अंदर तक आसानी से जा सके। मसाले के लिए 2 बड़े प्याज को मैंने ऐसे बारीक काट लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। खड़े मसाले में स्टार फूल, दालचीनी, लौंग, जावित्री, इलायची, ये सब लिया है, और साथ में जीरा, खसखस लिया है। ये सब को खड़े मसाले को प्याज में डालकर एक साथ ग्राइंडर में पीस लेंगे, और इसको ज़्यादा चिकना नहीं पीसेंगे, इससे स्वाद अच्छा नहीं आता, तो हल्के से पानी डालकर सबको एक साथ खुरदुरा पीस लेंगे। केले को काटने के बाद तुरंत पानी में डाल देंगे वरना यह काला हो जाएगा। मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं, तेल में 2 से 3 चम्मच तेल डालकर केला और आलू को एक साथ गोल्डन ब्राउन होने तक तल कर निकालेंगे। केला आलू को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे हमारा सब्जी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखेंगे कि 5 से 7 मिनट के बाद सब्जी अच्छे से तल चुका है, ब्राउन हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद उसी कढ़ाई में लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालकर जो मसाला रखे थे उस मसाले में हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर 1-1 चम्मच डालकर इस सभी मसाले को तेल में डालेंगे। आप चाहें तो मसाले की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। अब सभी मसाले को अच्छे से तेल में डालकर 5 से 10 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएंगे गैस, और तेल में डालते ही साथ इसमें एकदम अच्छी सी सुगंध आने लगी, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। और इसी स्टेज पर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से तेल सेपरेट होने तक इसको भूंजेंगे। मसाले को अच्छे से भूंजने के बाद मैंने एक टमाटर लिया है, एक टमाटर को काट कर हम मसाले में डालेंगे और अच्छे से भूंजेंगे। मुट्ठी भर धनिया को मैंने बारीक काट लिया है, इसको अच्छे से धोकर मसाले में डालेंगे। धनिया ज़रूर डालें, इससे स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम जो केला आलू को तल कर रखे थे उसको डालेंगे और इसके साथ भूंजेंगे, और साथ में 5 से 10 मिनट भूंजने के बाद ही इसमें पानी डालेंगे।
दोनों साथ में अच्छे से भूंज गए हैं। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास तक पानी डालेंगे, जिससे केला और आलू अच्छे से गल जाए। पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसको गलने में टाइम लगता है गाइस। केला आलू की मसालेदार सब्जी बनकर रेडी है गाइस। और देखेंगे इसका तेल किनारे में सेपरेट हो चुका है। इसको आप नान या चावल के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा।